नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल एंड शॉपिंग। में इस बार हम आए हैं एक ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट देखने। ऐतिहासिक बोल सकते या फिर प्राचीन। वैसे आज हम आए हैं अजंता, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे अजंता की गुफाएं और जानेंगे उसके बारे में थोड़ा, और देखेंगे किस किस प्रकार की कलाकृति है वहाँ। तो चलो मिलते हैं आगे। अभी फ़िलहाल हम रुके हैं यहाँ फैजापुर में। MTDC का एक रिसोर्ट है, काफ़ी बढ़िया रिसोर्ट है, वहाँ रुके हैं। तो अब यहाँ से सीधा निकलेंगे अजंता की ओर और देखते हैं वहाँ क्या है, कैसा सिस्टम है, और करते हैं एक्सप्लोर। और मेरे साथ है राइट। तो चलो ना टिकट पर पर्सन 15 एंट्री तो हो गई, सिंपल है। यहाँ आना, कहीं से भी उठकर जलगांव आ जाओ, जलगांव से फिर अजंता के लिए काफ़ी बसेस हैं, वहाँ से जलगांव से अजंता, फिर यहाँ आने पर कितना है, बस 50 रुपये एंट्री फीस है पर पर्सन। कितना? 15 बस 15 है। अरे यार काफ़ी सस्ता है, 15 ही है, मुझे लगा 50 है, सॉरी। और फिर यहाँ से आपको, यहाँ इनकी बसें चलती है, उन बसों से आप गुफा तक जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से गुफा तकरीबन 4-5 किलोमीटर तो है, इसलिए बसें चलती है टूरिस्ट वाली, वही पहुँचा देंगे आपको। तो हम भी चलते हैं वैसे ही। चलो एक गाइड बुक तो ले लिया है, पता नहीं इसकी ज़रूरत पड़नी तो चाहिए। ठीक है, देख लेते इसमें क्या क्या है, इसकी मदद से हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ये रहा केव की ओर जाने वाला बस स्टॉप, यहीं से सभी गाड़ियाँ जाती है उधर। एसी बस है, नॉन एसी बस टिकट क्या है, एसी बस का 30 रुपये, नॉन एसी का 25। तो एक बस लगी है, चलो चलते इससे ही। टिकट ले ले भाई। मौसम काफ़ी ख़तरनाक है यार, बरसात में धूप, थोड़ी बारिश हो तो अच्छा है। साइट प्लान पूरे केव का 29, कितने, 1 से लेकर 29 तक, मतलब 29 बाय सिक्योरिटी जांच से गुजरते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं। यार मच्छर खूब होते हैं यहाँ जंगल होने की वजह से, बारिश नहीं हो रही है। तो ये रहा टिकट काउंटर। वीडियो कैमरा शुल्क 25 रुपये। हाँ बोले, कैमरे का टिकट भी ले रहे भाई। हाँ तो हमारे Insta360 के लिए एक टिकट लेना पड़ा, बाकी मोबाइल के लिए तो चल गया है। ये ब्रेल लिखी में कुछ लिखा है, जिसको देखी मतलब दिखता नहीं उनके लिए खास। और ये रहा इसका मॉडल रेप्लिका, छोटा सा, काफ़ी अच्छा है। तो और एक टिकट काउंटर जहाँ 40 रुपये पर पर्सन की एंट्री फीस है गुफाओं के लिए खास, और 25 रुपये हमारे कैमरा के लग गए Insta360 के। चलो कुछ खा लेते पहले, बहुत हो गया। अजंता और कुछ जान पड़ा। स्कूल ट्रिप चलो चढ़ते हैं गुफा की ओर। चढ़ते हैं मतलब सच में सीढ़ियाँ है यार। चलो कोई बात नहीं, चढ़ लेंगे। पाय रहा सीढ़िया, स्टेयर केयर क्या है,
डरान यार, कैमरा के लिए बहुत नियम है। पहले तो ऐसा लगा कि कैमरा लेके जाने नहीं देगा, बाद में 25 रुपये का टिकट निकाल के कैमरा छोड़ दिया। फिर भी ऐसे बोले कि ट्राइपॉड वाले कैमरे अलाउ नहीं है, मतलब ट्राइपॉड पे लगाना अलाउ। फिर भी अब देखते हैं। और केव के अंदर रिकॉर्डिंग भी मना है, बस फोटो ले सकते हैं, बाहर रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं। तो केव के बाहर की रिकॉर्डिंग मिलेंगी और अंदर की फोटोज। चलो गुफा नंबर 1 पर तो पहुंच गए। तो यहाँ से है गुफा नंबर 1 से लेकर पता नहीं 26 है या 27, देख लेते हैं। और यह है व्यू पॉइंट, अपर व्यू पॉइंट, एक लोअर व्यू पॉइंट, वहाँ भी जाएंगे टाइम निकाल कर। तो चलो शूज उतार के निकलते हैं अंदर। डोली की भी सुविधा है अगर आपको चलना नहीं आ रहा तो उसके लिए। तो गुफा नंबर 3 और बाकी है भाई। फिर से शूज निकालो यार। कुछ गुफाएं कंप्लीट बनी है तो कुछ गुफाएं नहीं बनी है, इनकम्प्लीट है। क्यों? तो ये है दो मंजिला नहीं, एक मंजिला 6 नंबर की गुफा। हाँ, पर 2 मंजिला बिल्डिंग से बड़ी है। चलो इसके अंदर भी जाते हैं। तो ये है गुफा नंबर 9 जो कि जिसके अंदर एक मस्त सा स्तूप बना हुआ है और अभी भी वॉल पर कुछ पेंटिंग्स बाकी है, टूटी फूटी सही पर। ये रहा बड़ा सा कांच का दरवाजा गुफा नंबर 10। चलो इसके अंदर भी चल के देखते हैं। हाँ यार,
गुफा नंबर 10 का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है ना, सेम है जैसे कि लोनावला के और जो कार्ला केव्स है उसके जैसे है। बस फर्क बस इतना है कि यहाँ अभी भी पेंटिंग्स अवेलेबल हैं, पेंटिंग्स और कुछ पुरानी लिपि जो यहाँ दिख जाएगी। बाकी अंदर से तो सेम ही है, जो कि लोनावला के बाद जो कार्ला केव्स है सेम। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो ये है यार, हर केव में जाने के लिए शूज़ निकालना पड़ता है। तो कम से कम शूज़ ऐसे पहनो कि आसानी से निकले और आसानी से पहना जा सके, नहीं मेरा आधा समय तो इसमें चला जाएगा, इसलिए हाथ में पकड़ लिया, ना निकालने की झंझट ना पहनने की झंझट। तो अब कहाँ पहुँचे, गुफा नंबर 11 होना चाहिए कैलकुलेशन के हिसाब से, इसमें भी पेंटिंग्स है। कितना नंबर है, 11, 12, आगे 13, 14 जो भी है। चलो इसमें जाते हैं, छोटे छोटे रूम्स, सिटिंग प्लेस काफी मस्त है। और एक हॉल छोटा सा और छोटे छोटे सिटिंग प्लेस। कोणत्या शाळेतून आला तुम्ही सांगा? शाळेची ट्रिक गुफा नंबर 13, इसमें कुछ नहीं है। एक मंजिला गुफा जहाँ ऊपर चढ़ना है, इसकी तो एक और इनकम्प्लीट गुफा, जो गुफा तो है पर अंदर मूर्ति नहीं। तो क्या बढ़ते हैं आगे, और इतनी गुफाएं बाकी है भाई, आज का दिन तो इसमें ही जाएगा। और इतनी हो गई है, गुफा नंबर 15। देखते इसके अंदर क्या है। तो भीड़ तो ठीक ठाक ही है, आज सैटरडे है इसलिए सैटरडे संडे होती होगी भीड़। गुफा नंबर 17, पता नहीं पर गेट पर हाथी बने हैं, अच्छा है। दो हाथी दो साइड में, ऊपर भी चढ़ना है। चलो देखो कितने आसानी से होता है। गुफा नंबर 16 भी खत्म, अब आगे बढ़ते हैं 17 की ओर। हाथ में शूज, ये निकल गए अपने शूज, अब चलते आगे।
चलो 17 गुफाएं तो हो गई और 10 बाकी हैं, निकलते हैं। बारिश वाला मौसम हो गया। हेलो गाइस। हेलो। गुफा नंबर 19। बारिश आएगी। चलो अंदर ही जाके देखते हैं। नंबर 19। ये भी अंदर से मस्त है। हल्की हल्की बारिश हो रही है अभी तो। चलो 19 से आगे 20 की ओर बढ़ते हुए हल्की हल्की बारिश। और चलो 20 गुफा नंबर 20 भी आ गई। चलो गुफा नंबर 20 के भी दर्शन हो गए। बारिश आई थी, थोड़े देर रुके थे गुफा के अंदर। छोटा सा झरना। चलो राम में आता था। चल 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 बारिश चालू हो गई भाई, फिर से स्लीप ना हो जाए। गुफा नंबर 23। और बारिश का समय। गुफा नंबर 23 खत्म। बारिश हो रही है, रिमझिम रिमझिम है यार। बस चार ही तो गुफाएं बाकी है अभी। नाली बनाई है ना, काफी मस्त बनाई है। वे वे। सही है यार। 23 के बाद 24। शूज निकालने के बाद। हाँ तो ये गुफा इनकम्प्लीट है भाई। इनकम्प्लीट होने की वजह से ये काफ़ी मतलब यूनिक लगती है। इसका एक अलग ही लेवल है, मतलब इससे ये पता चलता है कि ये किस तरह से गुफाएं बनाते थे। मतलब ये जो सभी जो बनाया है इन्होंने,
इनकम्प्लीट गुफा, गुफा नंबर 25 के ओर अग्रेसर होते हुए गुफा नंबर 24 का भी हो गया जो कि आधी अधूरी है, वैसे ही देखने में अच्छी लग रही है। आगे बढ़ते हैं 24 के बाद 25, 25 नंबर की गुफा है तो काफ़ी मतलब अच्छी लग रही है। आह कूल, तो बढ़ते हैं गुफा नंबर 26 की ओर। अरे यार लेंस पे पानी आ गया। यही तो मूर्ति खोज रहा था मैं जब इसे आखिरकार गुफा नंबर 26 में मिली गई जो कि मेन हाईलाइट है। और ये काफ़ी बेहतर है, महापरिनिर्वाण वाला लास्ट स्टैचू। गुफा नंबर 26 और गुफा नंबर 27 दोहरा तो हो गया। अब निकलते हैं सीधा व्यू पॉइंट की ओर, लेते हैं वहां से एक बड़ा सा पैनोरामा व्यू। तो चलो तेजी से निकलते हैं। फाइनली थोड़ी देर चढ़ने के बाद हम पहुंचे हैं अपर व्यू पॉइंट पर, जहां से वे सभी की सभी 27 गुफाओं का एक साथ नज़ारा देखा जा सकता है जो कि आगे है मेरा। चलो दिखाता हूँ तुम्हें भी। तो चलो गुफा नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4 जो भी है बाद में गिन लेना। और कुछ तो अधूरी है, जैसे ये तो बनी नहीं, मतलब वहाँ जाने का रास्ता भी नहीं है। Thank you.
तो फाइनली हमारी अजंता केव की ट्रिप यहाँ पर ख़त्म, और शिवशाही में बैठकर हम निकल रहे हैं हमारे होटल के ओर। पहली बार शिवशाही में बैठा हूँ, लास्ट टाइम मिस हो गई थी पर इस बार नहीं। तो बस थोड़ी देर में 6-7 किलोमीटर का रास्ता है, इससे हम कवर कर लेंगे। तो निकलते हैं सीधा अपने होटल की ओर। हमारा टिकट जाता है